हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल गंभीर। आप देख रहे हैं कृधा प्रोडक्शंस। दोस्तों, आज सुशांत की हत्या को 130 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी किसी को ये क्लियर नहीं है कि आखिर सुशांत के साथ हुआ क्या था। लोगों का इंतज़ार हद से ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों का गुस्सा भी उतना ही ज़्यादा बढ़ गया है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर सीबीआई की जाँच किस तरफ बढ़ रही है, आखिर सीबीआई ने अभी तक बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया है। कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही सीबीआई की तरफ से कोई बड़ा बयान आया है और ना ही कोई ऐसी बात सामने आई है जिससे पता चले कि हाँ, जांच सही दिशा में जा रही है। ऐसे में सुशांत के फैंस का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस समय ट्विटर पर यह हैशटैग ट्रेंड कर रहा है जिसका नाम है SSR किलर्स रोमिंग फ्री। इस हैशटैग के साथ लोग फिर से अपनी आवाज उठा रहे हैं। सबसे पहले दिखाते हैं आपको रवि तिवारी बिहारी ने क्या लिखा। उन्होंने कहा, वी हैव टू कंटिन्यू बींग लाउड फॉर सुशांत सिंह राजपूत बिकॉज द कल्प्रिट्स आर वेटिंग फॉर अस टू फॉरगेट हिम। दैट विल नॉट हैपन अंटिल जस्टिस विल बी सर्व्ड। #SSR किलर्स रोमिंग फ्री। सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे चाहते हैं कि हम इस मुद्दे को भूल जाएं। ये हम ऐसा होने नहीं देंगे। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, मजबूती के साथ उठाएंगे। तनुश्री लिखती हैं, Day 130 ओवर। 130 दिन पूरे हो चुके हैं। किलर्स ऑफ सुशांत एंड दिशा रोमिंग फ्री टिल नाउ। सुशांत और दिशा के हत्यारे अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। वट काइंड ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन आवर कंट्री। हमारे देश में आखिर किस तरह का जुडिशियल सिस्टम है। दीपानिता लिखती हैं, इट्स हाई टाइम फॉर कस्टोडियल इंटरोगेशन। अप्लाई 3rd degree, दे विल प्यूप द ट्रुथ। जुडिशियल कस्टडी में लेने का वक्त आ गया है। इनके ऊपर 3rd degree अपनानी चाहिए और ये सच अपने आप उगलेंगे। इसके बाद रोहिणी लिखती हैं, वी प्रे फॉर ट्रुथ एंड जस्टिस। हम ट्रुथ और जस्टिस के लिए दुआ करते हैं। #SSR किलर्स रोमिंग फ्री। इसके बाद आभू लिखती हैं, डिवाइन सॉल। #SSR किलर्स रोमिंग फ्री। तो जितनी ज़्यादा विलंब हो रहा है इस मामले में, जितनी ज़्यादा देरी हो रही है, सुशांत सिंह राजपूत के वॉरियर्स की, सुशांत के फैंस की बेचैनी उतनी बढ़ती जा रही है। लेकिन लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। हम भी यही कहेंगे सुशांत के फैंस से, अपनी आवाज़ को यूं ही बुलंद रखें, नहीं तो ये हत्यारे वाकई चाहते हैं कि आप सुशांत की हत्या को भूल जाएं और ये केस यूं ही रफा दफा हो जाए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाइए और लगातार आवाज़ उठाइए।